बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका वित्तल्ला। उम्मीद है आप अल्लाह के करम से जान भी होंगे, बिल्कुल हैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। आज मैं आपको सर्दियों का, ये भी सर्दियों का तोहफा है, वो इससे सर्दी बहुत कम होती है, एनर्जी भी इससे बहुत मिलती है। और ये आपको जब बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही हो तो आप ये सोप बना के बच्चों को भी दें, खुद भी पिए, तो एकदम से आपकी सर्दी भाग जाएगी। इसको बनाना बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें जो भी चीज़ें डलती हैं, हर घर में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो आप का जब भी दिल करे आप एकदम से ये सूप बना सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, ये मकई के दाने मैंने लिए हैं, ये सूप में इनका बहुत मज़ा आता है। कैबेज, गाजर और शिमला। चिकन को मैंने उबाल के उसके रेशे कर लिए हैं। ये यखनी है जिसमें मैंने चिकन को उबाला था, उसी में आपने वेजिटेबल डालनी है सारी। नमक थोड़ा सा मैंने यखनी में डाला था, थोड़ा आप अपनी चॉइस के मुताबिक नमक जो है ये आप अपनी चॉइस के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा नमक मैंने यखनी में भी डाला था, थोड़ा मैंने और डाल दिया है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो फिर गले को तंग करती है, इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाला है, 2 टेबलस्पून सोया सास और 2 टेबलस्पून सिरका। ये आपने वेजिटेबल के साथ ही डाल देना है, चूल्हा आपने ऑन कर देना है। अभी आपने जो आंच है वो फुल करनी है। ये कनौर की भी एक मैं टिकिया डाल रही हूँ, ये आपने ज़रूर डालनी है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। तो आपने आँच को तेज़ करना है, जब आपका सूप जो है वो उबलना शुरू हो जाए तो फिर आपने चूल्हा ज़रा कम कर देना है। ये मैं सूप के साथ जो सास होती है वो बनाने लगी हूँ। ये आपने एक बाउल में दादर मिर्च सुरख डालनी है, एक बाउल में आपने बारीक बारीक ग्रीन वाली मिर्चें डाल लेनी है और उनमें आपने सिरका डाल देना है। सिरका डाल के आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है और तीसरी वाली बाउल में आपने सोया सास डाल देना है। ये 3 सॉसेस जो हैं सूप में डालें तो इसका बहुत मज़ा बनता है, लेकिन आपका गला अगर ठीक नहीं तो आप ये वाली सॉस बिल्कुल ना डालें। ये देखिए मैं आपके सामने चेक करती हूँ, सब्जियाँ तो बिल्कुल गल चुकी हैं, लेकिन वो जो मक्की के दाने हैं वो थोड़े अभी कच्चे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम और दूंगी। साथ चिकन डाल के तो फिर बिल्कुल मीडियम आंच पे रखूंगी ताकि थोड़ा चिकन भी अंदर मिक्स हो जाए और मक्की के दाने जो हैं वो भी अच्छी तरह ज़रा गल जाए। प्याली में आपने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालना है और एक प्याली आपने पानी लेके तो उसमें कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, अपने बिल्कुल अच्छी तरह नीचे तक इसके चम्मच चलाना है ताकि कोई गुठली अंदर ना रह जाए। फिर आपने जब सारी आपकी सब्जियां जो हैं वो तैयार हो जाएं तो आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। आँच आपने जो है वो थोड़ी तेज़ कर लेनी है, कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा आपने साथ साथ डालते जाना है। ये कॉर्नफ्लोर जो है वो सूप को थोड़ा थिक कर देता है, वैसे आपका वो यखनी जो है वो ज़रा पतली होती है, इसलिए कॉर्नफ्लोर जो है वो ज़रूर डालना पड़ता है। ये देखें इतनी अच्छी लुक माशाल्लाह आ गई है, इतना खूबसूरत मेरा सूप जो है, इतना टेस्टी सूप तैयार हुआ है। उसके बाद आपने 2 एग लेने हैं, आपने सूप के हिसाब से लेने हैं। अगर आपका सूप थोड़ा है तो आपने फिर 1 ही अंडा डालना है, अगर ज़्यादा है तो फिर आपने 2 अंडे जो हैं वो डाल लेने हैं, उनको अच्छी तरह बीट करके। तो फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता करके डालते जाना है और चम्मच जो है हिलाते जाना है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर मैंने और डाली है। ये देखें अंडा जो है आपने बिल्कुल आराम आराम से थोड़ा सा पहले डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आँच इस वक्त टाइम मैंने ज़रा तेज़ की हुई है ताकि ये अंडा और कॉर्नफ्लोर जो है अच्छी तरह पक जाए। ये मेरा सूप थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मैंने 2 अंडे डाले हैं, तो आप अपने सूप के हिसाब से 1 भी डाल सकते हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा, इतनी अच्छी इसकी स्मेल आ रही है, इतनी अच्छी लुक है। ये मेरा सूप तैयार हो गया है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपका सूप कैसा बना। दुआओं में मुझे याद रखना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज में ज़रूर शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो टाइमली मिल सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर। खुदा हाफिज़।